खबर है मेजर प्रयागराज से, जहां अधिवक्ताओं के भारी आक्रोश व आंदोलन के बावजूद एसडीएम मेजर रेणु सिंह का स्थानांतरण नहीं हुआ। शुक्रवार से मेजर के अधिवक्ता तहसील मुख्यालय के सामने क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। कहा है कि जब तक एसडीएम का स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पर नहीं हो जाता, उनका क्रमिक अनशन जारी रहेगा। चार दिन पूर्व मेजा के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष उमाकांत की अगुवाई में तहसील के विभिन्न विभागों में पहुंच तालाबंदी करा दी थी। चेताया था कि जब तक एसडीएम का स्थानांतरण नहीं हो जाता, किसी कीमत पर ताला नहीं खुलना चाहिए। विभागों के कर्मचारी प्रतिदिन अपने कार्यालय तो पहुंच रहे हैं, किंतु तालाबंदी की वजह से कुछ देर इंतजार करने के बाद घर लौट जा रहे हैं। बार बार बेंच के बीच चल रहे विवाद की मुख्य जड़ सही ढंग से वादकारियों का कार्य ना होना बताया गया है, जिससे मेजा के अधिवक्ताओं व एसडीएम के बीच खाई बंद उभरी है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए वैभव यादव की रिपोर्ट।